हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था भू संसाधन तथा कृषि, ठीक है। और इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना भी दी है, उसमें हमने डिस्कस किया था भू उपयोग का वर्गीकरण और 9 प्रकार हमने बांट लिए थे और उनको ट्रिकों के आधार पर याद करने का हमने प्रयास किया था। बस उसमें इतना ही पढ़ा था, लेकिन आज अपन ने जो वर्गीकरण किया था 9 प्रकारों का, उनका अपन वर्णन देखने वाले हैं, सारा का सारा वर्णन देखने वाले हैं। यदि आपके छोटा क्वेश्चन आता है कि नाम लिखो इनके, तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, उनके आधार पर नाम लिख देना। और यदि आपको वर्णन पूछे वो उपयोग का वर्गीकरण करते हुए इसका उल्लेख कीजिए, यानी विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा एग्जाम में आता है, तो आपको ये सारा वर्णन लिखना पड़ेगा और मैं इजी ही तरीके से इनको समझाने का प्रयास करूंगा। आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि रुकना ही सत्य है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्थिर हो जाओ, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, दूसरा कार्य मत करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 9 प्रकार है। पहला प्रकार है इसमें वनों के अधीन क्षेत्र, ठीक है। वनों के अधीन क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वर्गीकृत वन क्षेत्र आते हैं, ठीक है। वनों के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत वन क्षेत्र आते हैं, और ये वर्गीकृत वन क्षेत्र क्या होते हैं, क्वेश्चन तो उठेगा और उसका जवाब मैं दूंगा आपको कि वर्गीकृत वन क्षेत्र वह सभी क्षेत्र जहाँ पर भविष्य में वन विकसित किया जा सकता है, यानी वह क्षेत्र जो भविष्य में, यानी आने वाला जो समय है, उस भूमि पर वन विकसित किए जा सकते हैं। आपको वाक्य में लग रहा होगा कि निश्चित यहाँ पर नहीं बता रखा है कि वहाँ पर वन होंगे आने वाले भविष्य में, लेकिन सिर्फ ये तो संभावना ही बता रहा है, यानी यहाँ पर आपको संभावना देखने को मिलेगी, संभावना, यानी निश्चित नहीं कहा गया है कि भविष्य में वर्गीकृत वनों में जो भूमि आ रही है वहाँ पर वन ही विकसित हों, यह निश्चित नहीं कहा गया है। बस यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि वह सभी क्षेत्र जहाँ पर भविष्य में आपको वन विकसित किए जा सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर बता रहा है, और ऐसी भूमि को अपन वर्गीकृत वन क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि संभावना इसलिए बताई जा रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो वनों के पास में स्थित है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी वन हो सकते हैं, इसलिए उस भूमि को वर्गीकृत वन क्षेत्र के नाम से सरकार ने दर्ज कर लिया है, यानी राजस्व जो विभाग है उसने उस भूमि को स्थायी कर लिया है, और ये इस भूमि पर और दूसरे कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में वन विकसित हो सकते हैं, संभावना बता रहा है। वर्गीकृत वन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपन का क्लियर हो गया है, ठीक है। ये जो वन के अधीन क्षेत्र है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं, बंजर वह व्यर्थ भूमि, दूसरा प्रकार अपन के सामने लिख रखा है कि बंजर वह व्यर्थ भूमि। आपको नाम से ही अलग ही महसूस हो रहा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये चलता है, बंजर भूमि है ये, यानी वहाँ पर किसी भी चीज़ का उपजाऊ, यानी उपजाऊपन है ही नहीं उस भूमि में, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती है, उसे ही बंजर भूमि कहते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन तो ये है, परिभाषा ये है। अब आगे देखो, वह भूमि जो वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। उदाहरण के लिए बंजर पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलीय क्षेत्र। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि बंजर वह व्यर्थ भूमि वह भूमि होती है जहाँ पर वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप किसी भी प्रकार की तकनीकी अपना लो ऐसी भूमि में, लेकिन कृषि वहाँ पर नहीं की जा सकती।
कृषि योग्य भूमि नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए उसे बंजर वह व्यर्थ भूमि कहा गया है। यानी वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कृषि नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपको ऐसी भूमि देखने को मिलेगी बंजर पहाड़ी भूभाग, यानी पहाड़ी क्षेत्र देख लो जहाँ पर कृषि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर कृषि आपको नहीं कर की जा सकेगी। और मरुस्थलीय क्षेत्र, कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर आपको कृषि देखने को मिलती है? नहीं। जैसे कोई टीला है, टीले बोलते हैं दोहरे, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है मरुस्थलीय भूमि होती है वहाँ पर आपको कृषि नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ऐसी भूमि को आप बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। आप उदाहरण भी लिख सकते हो, एग्जाम में आ जाए बंजर व व्यर्थ भूमि के उदाहरण लिखिए, ऐसे भी आ सकता है बंजर व व्यर्थ भूमि की परिभाषा दीजिए, तो आपको उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। हरदम आप सक्षम रहो, चाहे कोई सा भी यूनिट हो उसको आप पढ़कर जाओ एक बार तो, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो वो माइंड में एक बारी तो ज़रूर आती है। एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में एक बारी ज़रूर आएगी, आपके माइंड को सिग्नल देगी कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर याद की थी और ये है। अब आप पे निर्भर करता है कि उस चीज़ को आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। आप उस चीज़ को कंफ्यूज में डाल देते हो कि ये चीज़ नहीं है, ये गलत है, तो वो आपके माइंड की जड़ है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप आगे देखो, तीसरा प्रकार, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तीसरा प्रकार हमारे सामने, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ये कैसी वेला है भाई, यानी ये कैसी भूमि है भाई, ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा अपन को। तो गैर कृषि कार्यों में, यानी कोई भी आपको लाइन लिखी होती है उसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त, यानी ऐसी भूमि पर, यानी ऐसी भूमि पर आपको कृषि देखने को नहीं मिलेगी। ये क्रॉस का निशान इसलिए है क्योंकि ऐसी भूमि पर, गैर कृषि भूमि पर आपको कृषि देखने को नहीं मिलेगी, यानी कृषि इन क्षेत्रों में नहीं की जाती। ऐसी भूमि पर कृषि नहीं की जाती है, इसलिए इसे गैर कृषि भूमि कहा गया, ठीक है। गैर कृषि भूमि का मतलब उस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है, ठीक है, समझ लेना। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि पर कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए, फिर यदि कृषि नहीं की जाती है तो वहाँ पर कृषि क्यों नहीं की जाती है, कारण भी तो अपन को पता होना चाहिए कि कृषि यदि नहीं की जा रही है तो फिर वह भूमि किस काम में आ रही है। तो वो भूमि किस काम में आ रही है, एक तो बस्तियाँ, ठीक है, बस्तियों में कौन कौन सी बस्ती आ जाएगी, नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती, ठीक है। उस भूमि पर नगरीय व ग्रामीण बस्तियाँ बसी हुई हैं, ठीक है। आगे देखो, अवसंरचना में को क्या क्या आते हैं, सड़कें आते हैं, नहर आती है। आगे देखो, उद्योग दुकान, ये जो सारी के सारी चीज़ें होने के कारण ही यहाँ पर कृषि नहीं की जा रही है, यानी नगरीय बस्ती ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ पर बसी हुई हैं, और अवसंरचना सड़कें और नहर बसे हुए हैं, उद्योग बसे हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो वहाँ पर ज़मीन भूमि के लिए कहाँ से आएगी, क्योंकि कृषि के लिए तो उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। आप किसी गांव में देखोगे, कई गांव है, कई बस्तियाँ बसी हुई हैं जहाँ पर कृषि के लिए भूमि है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कृषि की भूमि का स्थान है ना, जो इन बस्तियों ने, ग्रामीण बस्तियों ने, दुकानों ने, उद्योग धंधों ने ले लिया, तो भूमि कहाँ से आएगी कृषि के लिए, ये बसे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। आगे देखो, तीन प्रकार हमने देख लिए, चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। आगे देखो,
और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन यानी घंटी को दबाना नहीं भूलिए, उसमें ऑल का टिक कर दो ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। चौथा प्रकार देखेंगे, स्थाई चरागाह क्षेत्र, ठीक है, स्थाई चरागाह क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया था। चरागाह क्या होता है? चरागाह यानी पशुओं को चरने की जगह, ऐसा मैदान जिसमें घास और अन्य खरपतवार जैसे पौधे उगे होते हैं और वहाँ पर पशु चरते हैं तो उसे चरागाह बोलते हैं। तो स्थाई चरागाह क्षेत्र में कौन कौन सी भूमि आती है वो देखते हैं, यानी ऐसी भूमि, इसकी डेफिनेशन देखो भाई, ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत और सरकार का स्वामित्व यानी अधिकार रहता है, यानी स्थाई चरागाह क्षेत्र है, कोई भूमि है तो उस पर अधिकार किसका होगा भाई? अधिकार होगा ग्राम पंचायत और सरकार का। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, यानी ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत और सरकार का स्वामित्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आपको कोई ये पूछ ले कि स्थाई चरागाह क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है तो ग्राम पंचायत और सरकार का अधिकार होता है। आपको यदि परिभाषा पूछ ले कि स्थाई चरागाह क्षेत्र किसे कहते हैं तो आप इस प्रकार, यानी किसका अधिकार होता है, तो आप ये लिख देना, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें, एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में रहता है, लेकिन किसका छोटा भाग भाई? लिख तो रखा है यहाँ पर कि एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में रहता है, लेकिन किसका छोटा भाग? इसका छोटा भाग, यानी जो स्थाई चरागाह है क्षेत्र हमारे पास में, ये मान लो जो पूरा चरागाह है स्थाई, यानी स्थाई चरागाह है ये पूरा का पूरा है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, पशु पक्षी पशुओं के लिए यहाँ पर पेड़ पौधे घास देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपको ये मानो कि ये पूरा पूरा क्षेत्र ग्राम पंचायत और सरकार के नियंत्रण में ही थोड़ी रह सकता है, इसमें से कुछ भाग, यानी इसमें से कुछ हिस्सा, छोटा, एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में रहता है। निजी स्वामित्व का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उस पर, स्वामित्व का मतलब अधिकार, यानी स्थाई चरागाह क्षेत्र का एक छोटा सा भाग और उस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व रहता है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो बाकी का जो क्षेत्र देख रहे हो आप, इस पर ग्राम पंचायत और सरकार का नियंत्रण होता है, अधिकार होता है, चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। आगे देखो, ग्राम पंचायत के अधिकार वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जानते हैं। यदि आपको कोई ये पूछे कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं तो आपको बताना है जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है उसको अपन साझा संपत्ति संसाधन के नाम से अपन उसको जानते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। स्थाई चरागाह क्षेत्र जिस पर ग्राम पंचायत और सरकार का अधिकार होता है, इसका एक छोटा सा भाग उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अधिकार वाली भूमि को आप साझा संपत्ति संसाधन के नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। इसमें पांचवा प्रकार देखते हैं, विविध तरु फसलों, यानी क्या नाम है इसका, विविध तरु फसलों वह उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, ठीक है। विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी भूमि आती है वो देख लेते हैं। यानी ऐसी भूमि जिस पर उद्यान और फलदार वृक्ष पाए जाते हैं, वो विविध तरु फसलों वह उपवनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। उस पर फलदार वृक्ष
यानी फलदार वृक्ष का मतलब आप देख लो, फलदार वृक्ष में आ जाएगा सेब, सेब, अंगूर, अंगूर देख लो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मौसमी देख लो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, अनार, ये सारी की सारी वनस्पति, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो इस भूमि में आएंगी, ठीक है, वहाँ पर बगीचे लगाए जाएंगे, उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अमरूद का बाग, सेब का बाग, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और इस पर है ना जो व्यक्ति के निजी स्वामित्व आता है, यानी ऐसी भूमि है ना जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है, यानी एक व्यक्ति के अधिकार में इस प्रकार की भूमि आती है। यानी आप देखोगे कि जो मान लीजिए कोई अंगूर का बाग है, अमरूद का बाग मान लो, अमरूद का बाग है और उस पर पूरी सरकार का नियंत्रण थोड़ी होता है, उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जिस एरिया में, जिस जमीन पर वो बाग लगाया गया है और जो भूमि जिस व्यक्ति के अधिकार में है, उस व्यक्ति का ही वो बाग माना जाएगा और उस पर ही अधिकार होगा, ग्राम पंचायत या अन्य सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसकी ज़मीन है, उस व्यक्ति की ज़मीन है। तो वो ही बताने का प्रयास कर रहा है कि उस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर ही समझ में आ गई होंगी। इसके पश्चात फ्रेंड छठा प्रकार, पांच प्रकार अपन ने देख लिए हैं। छठा प्रकार है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी इस भूमि में वह भूमि आती है जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक उस पर कृषि नहीं की गई हो, यानी ऐसी कृषि भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई हो, व्यर्थ पड़ी हो। भूमि कृषि योग्य तो है लेकिन उस पर कृषि 5 वर्षों से अधिक समय तक नहीं की गई हो, तो उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो आगे आप देखो, इसी में वही बात बता रहा है इसमें कि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि रहित रही हो, यानी कृषि रहित का मतलब कृषि नहीं की गई हो, वहाँ पर रहित का मतलब कृषि नहीं की गई हो, समझ में आ रहा है, यानी वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई हो और वो भूमि व्यर्थ ही पड़ी रही हो, यानी उस पर कोई कृषि नहीं की गई हो, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। यदि आप उद्धार तकनीकी अपनाएं और उस भूमि में सुधार करें तो वो कृषि योग्य बन सकती है, यानी आप यदि उस पर उद्धार तकनीकी का प्रयोग करते हैं, सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो वो कृषि योग्य बन सकती है, आप उस पर कृषि कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उस भूमि में, ठीक है। सातों प्रकार देखते हो, छठा प्रकार हो गया अपन का, क्लियर ही हो रहा होगा आपको, ठीक है। सातों प्रकार वर्तमान प्रतिभूमि, ये क्या होती है भला, यानी वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वो देखने का प्रयास करना। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। यानी इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वह भूमि, यानी कोई भी भूमि है, उस पर एक वर्ष या उससे कम, यानी 12 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 महीने या उससे कम समय तक उस पर कृषि नहीं की गई हो, तो उस भूमि को अपन क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं, यानी कृषि रहित शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी उस भूमि पर कृषि नहीं की गई है एक वर्ष या उससे कम, ठीक है।
चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। यदि आपको कोई ये पूछ ले कि वर्तमान प्रतिभूति किसे कहते हैं, तो आपको बताना है एक वर्ष से या उससे कम समय तक कृषि नहीं की गई हो, पिछले समय से बता रहे हैं, यानी पिछले समय से एक वर्ष या उससे कम समय तक कृषि नहीं की गई हो, तो उस भूमि को अपन वर्तमान प्रतिभूति कहते हैं। आपको ऐसे पूछ सकता है वो कि वर्तमान प्रतिभूति और पुरातन प्रतिभूति में क्या अंतर है। तो हमने ये तो देख लिया, अब ये देखेंगे उसके बाद में अंतर समझ में आ जाएगा अपन को, ठीक है। तो आठवां, पुरातन प्रतिभूति यानी वह भूमि जो एक वर्ष से अधिक या पाँच वर्ष से कम कृषि रहित रही हो, यानी कृषि नहीं की गई हो, वह भूमि जो एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष से कम समय बीत गया हो उस भूमि पर कृषि किए हुए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुरातन प्रतिभूति। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा दोनों का, इसमें तो एक वर्ष या उससे कम समय हो गया कृषि किए हुए, और इसमें क्या बता रहा है, एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष के बीच का समय हो गया है, यानी पाँच वर्ष से कम, यानी एक वर्ष से पाँच वर्ष तक का समय हो गया है उस पर कृषि किए हुए, यानी उस भूमि पर कृषि किए हुए इतना समय हो गया है। तो दोनों में आपको अंतर बिल्कुल ही क्लियर ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, एक पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि कोई भूभाग, मैंने पहले बता भी दिया है, यदि कोई भूभाग या भूमि जिस पर पाँच वर्ष से अधिक समय कृषि रहित हो गया हो, यानी पाँच वर्ष से अधिक समय हो गया हो कृषि किए हुए, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। पाँच वर्ष से अधिक यदि किसी भूभाग पर कृषि पाँच वर्ष से अधिक समय हो गया हो कृषि किए हुए, तो उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत रखा जाएगा। आपको यदि परिभाषा बोझ ले कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पाँच वर्ष से अधिक समय किसी भूमि पर बना कृषि किए हुए बीत जाता है, तो उसे ही अपन कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी, दोनों में आप अंतर समझा देना, ठीक है। नवा प्रकार देखते हैं, फिर अपन का आज का लेसन है ना जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। निवल बोया क्षेत्र, निवल बोया क्षेत्र क्या होता है, वह भूमि जिस पर फसल उगाई भी जाती है और काटी भी जाती है, यानी वह भूमि जिस पर फसल उगाई वह काटी जाती है उसे निवल बोया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब आ जाए आपको, आपको दे दे छोटे क्वेश्चन में कि निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे वह भूमि जिस पर फसल उगाई भी जाती है और काटी भी जाती है, ठीक है। तो आपको जो नौ प्रकार है ना बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। आगे अपन इसी टॉपिक में कृषि के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, तो पार्ट 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।